नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एडल 17 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, डोज के बारे में, एमआरपी के बारे में, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे अब तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों एडल 17 मेडिसिन होती है, देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज के बारे में तो 20 ml के साइज में मार्केट में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी एमआरपी के बारे में तो 270 रुपये इस पर एमआरपी आती है। और जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो हमें पता नहीं, एक कंपनी आती है एडल, एक जर्मन की कंपनी है जिसके द्वारा इसकी मैनुफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला यूज है पुअर विजन या फिर पुअर आईसाइट। दोस्तों अगर किसी की जो आई साइड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे आपको पास का धुंधला दिखाई देता हो या फिर दूर का धुंधला दिखाई देता हो, और डॉक्टर को आपने दिखाया, डॉक्टर ने आपको चश्मे की सलाह दे दी हो, कैसी स्थिति में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है कैटरेक्ट। दोस्तों अगर किसी को कैटरेक्ट की परेशानी है, मोतियाबिंद की परेशानी है, आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया हो, तो कैटरेक्ट के केस में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है ग्लूकोमा। दोस्तों ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आंखों को ब्रेन से, आंखों को दिमाग से जोड़ने वाली जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसके वजह से धुंधला दिखाई देता है या फिर अंधापन इसके वजह से देखने को मिल सकता है। तो ग्लूकोमा को दूर करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इस मेडिसिन का अगला यूज है कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों जो अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आंखों में किसी बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाए और उसके वजह से जो आंखें होती है वो रेड रेड दिखाई देने लगे, लालपन उसमें देखने को मिले, या आंखों में इरिटेशन देखने को मिले, खुजली देखने को मिले, आंखों में दर्द देखने को मिले, या आंखों से पानी आता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले इसके बारे में तो दोस्तों इस मेडिसिन का अगला यूज है, दोस्तों अगर किसी की जो आंखें हैं उसमें इन्फ्लामेशन की शिकायत रहती हो, आंखों में सूजन रहता हो, आंखों की पलकों पे सूजन रहता हो, आंखें भारी भारी सी लगती हो, तो आंखों की सूजन को हटाने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके यूज इसके बारे में तो दोस्तों अगर किसी को जनरली आंखों में दर्द रहने की परेशानी है, पढ़ते समय आंखों में दर्द रहता हो, आंखों में दर्द रहने की वजह से सर में दर्द चला जाता हो, तो ऐसे केस में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यूजेस थे जिन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है ऑरम क्लोरेटम। दोस्तों ऑरम क्लोरेटम मेडिसिन होती है आंखों की बहुत सारी परेशानी में काम करती है, आंखें खराब होना हो या आंखों की जो रेटिना है वो फट गई हो या ग्लूकोमा की परेशानी हो तो उसको ठीक करने का काम करती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है साइनारा। दोस्तों साइनारा मेडिसिन होती है, ये भी आंखों की काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है फ्रेशिया। दोस्तों अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है या कि जो आंखें होती हैं उनमें सूजन की परेशानी है, आंखों की पलकों पे सूजन की परेशानी है, तो उसको ठीक करने का काम करती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है ग्लोनियोन। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है आंखों की। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है रूटा। दोस्तों जो रूटा मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है, अगर किसी को पढ़ने के वजह से आंखों में दर्द रहने लगता हो या लैपटॉप पे काम करने की वजह से या मोबाइल चलाने की वजह से किसी को धुंधला दिखाई देने लगा है, आंखों की जो क्षमता है वह कम होती जा रही है, विजन पुअर होता जा रहा है, तो उसको ठीक करने का काम होती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है डलकमारा। दोस्तों डलकमारा भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है आंखों की। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है हेड्राहेलिक्स। दोस्तों जो हेड्राहेलिक्स मेडिसिन होती है ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके आंखों की काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करने का काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है टबैकम। दोस्तों जो टबैकम मेडिसिन होती है ये भी आंखों की काफ़ी सारी परेशानियों को दूर करती है, जैसे आंखों में दर्द रहना हो, आंखों में इरीटेशन रहना हो, खुजली रहना हो, तो उसको ठीक करने का काम करती है। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, कितनी डोज का आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों इसकी डोज है वो 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर इसके दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में तो दोस्तों इसकी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम
आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल बच्चों में कर सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर बात करें इसकी जो एक्सपायरी डेट आती है तो इस पर 5 साल की आती है। अगर बात करें जो इसका काउंटर इंडिकेशन के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी काउंटर इंडिकेशन नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आप में से किसी को ग्लूकोमा की परेशानी है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, या मोतियाबिंद की परेशानी है, कैटरेक्ट की परेशानी है, आपको धुंधला दिखाई देता हो, आंखों में इरिटेशन रहता हो, खुजली रहती हो, हैवीनेस रहती हो, भारीपन रहता हो, तो ऐसे केस में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।